ये देखिए गोलियों के निशान। कान लगाकर सुनने पर जो शहीदों की आवाज है वो आज भी सुनाई देती है और लोग दूर दूर से इस आवाज को भी सुनने के लिए आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूँ अर्पना कनवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पना कनवर ब्लॉग। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है जलियांवाला बाग। जी हाँ, आज मैं आई हूँ जलियांवाले बाग में। जलियांवाला बाग बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं अमृतसर में हूँ और आप लोगों को जलियांवाला बाग में व्लॉग में दिखा दूँ। यहाँ पर 1500 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए थे और 1000 की काउंटिंग में जो लोग हैं वो शहीद हुए थे। और यहाँ पर बहुत ही फेमस जगह है ये, मैं आपको चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पर एक कुआं भी है जो बहुत फेमस है, वहाँ पर भी लोग जो है वो दूर दूर से आके खास करके वो स्पेशली वो कुएं को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और व्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है एंट्री मैंने कर ली है, वो है एंट्री गेट, आप मेरे पीछे देख सकते हो मैंने एंट्री कर ली है। और यहाँ पर जो लोग हैं अंदर आकर यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं। और क्योंकि काफ़ी बड़ा है जलियांवाला बाग और चलते चलते जो लोग हैं वो थक भी जाते हैं, तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। और इस तरफ भी आप देख सकते हो इस तरीके का ये बना हुआ है जलियांवाला बाग। और चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सबसे पहले लेके चलती हूँ वो कुएं के पास और बताती हूँ वो कुआं जो है वो फेमस क्यों है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, वहाँ पर उस तरफ जो है वो कुआं है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और मैं आपको लेके चलती हूँ कुएं के पास और वहाँ पहुँच के बताती हूँ कि कुआं जो है उसको देखने के लिए लोग स्पेशली क्यों आते हैं, वो कुआं जो है वो क्यों फेमस है इतना। वो देखिए, अगर आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा तो वो रहा कुआं, वहाँ पर लोग भी खड़े हैं, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहुँच गई हूँ मैं कुएं के पास। इस कुएं को बोला जाता है शहीदी कुआं। शहीदी कुआं इसलिए बोला जाता है, जनरल डायर जो थे उन्होंने गोलियां चलाई थी लोगों के ऊपर, लोग जो है इस कुएं में कूदकर शहीद हो गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुएं को देखते हैं, बहुत गहरा कुआं है ये। फ्रेंड्स, इस तरीके का दिखता है ये कुआं, शहीदी कुआं जिसे बोला जाता है। और 101 साल हो चुका है इस कुएं को, फिर भी देखिए अभी भी गोलियों के जो निशान है वो नजर आ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं। कुआं हमने देख लिया है, वहां उनकी याद में जो समाधि बनाई गई है अब उस तरफ चलते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं वो है समाधि, तो चलिए उधर चलते हैं, आ जाओ। फ्रेंड्स, जिस समाधि पे मैं आपको लेकर आई हूँ, ये है वो समाधि जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं आपको लेकर आऊंगी, जो ये शहीदों की याद में बनाई गई है, ये समाधि है वो, इस तरीके से, इस तरीके की दिखती है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह पे लेकर चलती हूँ जो समाधि के बिल्कुल बाजू में ही है। लोगों का मानना है कि आज भी वहां पर शहीदों की जो है वो आवाज सुनाई देती है, और ये है वो जगह, आप देख सकते हो वहां पर लोग जो है वो कान लगाकर अभी भी सुन रहे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, अभी यहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लोग जो है वो कान लगाकर ना आवाजें सुन रहे हैं उन शहीदों की, कहा जाता है कि उन शहीदों की ना आज भी यहाँ पर आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए ये देखिए ये बच्चा भी कान लगाकर सुन रहा है, ये भी आंटी भी खड़ी हैं कान लगाकर सुन रही हैं, क्योंकि वो लोग ना यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर खड़े होकर कान लगाकर आवाज़ सुनते हैं। कुछ लोगों को सुनाई देती भी है लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी देती है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है शहीदों की आवाज़ें आज भी सुनाई देती हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप देख सकते हो आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। इस तरफ ये अलग से है, यहाँ पर आप देख सकते हो आज भी गोलियों के निशान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये सारे गोलियों के निशान हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया जलियांवाला बाग जो है वो बहुत ही बड़ा है। बड़ा वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी पार्क्स हैं, बहुत ही बड़ा गार्डन है, यहाँ पर लोग जो है वो आराम से यहाँ पर घूम भी सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। गार्डन बहुत ही बड़ा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पर लोग जो है वो वॉक भी कर रहे हैं। तो इस तरीके का है ये जलियांवाला बाग।
तो फ्रेंड्स ये था जलियांवाला बाग जो मैंने आपको दिखाया। लोग जो हैं दूर दूर से यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं, जलियांवाला बाग देखने के लिए आते हैं, और यहाँ पर जो है वो फ्री एंट्री है, कोई टिकट नहीं है यहाँ का। एंड बस यही था आज का व्लॉग जो मैंने आपको दिखाया। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अब मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।